के पूंजीपथरा में लगने वाले बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट की जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस जनसुनवाई में ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पुरजोर विरोध किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि किसी भी स्थिति में यहाँ प्लांट को लगने नहीं दिया जाएगा। रायगढ़ पहले से ही पूरे देश में इंडस्ट्रियल हब के नाम से मशहूर हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मात्रा भी कई गुना अधिक रायगढ़ में बढ़ गई है, जिस कारण से रायगढ़ पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों की गिनती में आने लगा है। सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी उद्योग यहां स्थापित हो गए हैं और विकास के नाम पर सिर्फ यहां के स्थानीय लोगों को ठगा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में उद्योग स्थापित होने के बावजूद भी शासन प्रशासन रोज नए उद्योगों को न्योता देकर यहाँ जन सुनवाई करवा रहा है, जिसकी लगातार स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पर उनके विरोध को दरकिनार कर जन सुनवाई को निरस्त न कर उद्योगों को विस्तार करने की अनुमति मिल रही है। आज भी रायगढ़ के पूंजीपथरा में लगने वाले बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट का जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई में ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने भी पुरजोर विरोध किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि किसी भी स्थिति में यह प्लांट लगाने नहीं दिया जाएगा और यह प्लांट रायगढ़ शहर में लग रहा था, पर वहां के लोगों के विरोध के कारण अब इस प्लांट को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। इससे ग्रामीण जनों की जान को काफी खतरा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट की वेस्टेज को और प्रदूषण को नियंत्रण करने का किसी भी प्रकार का कोई ठोस जवाब कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है और इसी के मद्देनजर ग्रामीणों द्वारा आज जन सुनवाई में अब पुरजोर विरोध किया गया। अब देखना लाजमी होगा कि ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन का शासन प्रशासन पर क्या असर होता है और इस ट्रीटमेंट प्लांट को अनुमति मिल पाती है कि नहीं। वहीं इस विषय में हमने स्थानीय ग्रामीण और जन प्रतिनिधियों से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे उन्हें सड़क पर आकर लड़ाई लड़नी पड़े, वह उस उद्योग को अपने जगह पर स्थापित नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के पास ही जाकर अपनी मांगों को रखेंगे। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, SEN24।